नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि रवि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई एक परीक्षा है जिसमें एक स्टूडेंट जिसका नाम रवि है वह बैठा, उसको उत्तीर्ण करने के लिए, उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने परसेंट मिनिमम मार्क चाहिए थे? 36% मिनिमम मार्क चाहिए थे, लेकिन उस छात्र को 24% मार्क प्राप्त हुए और वह कितने अंक से फेल हो गया? 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि वह फेल हो गया। तो हमें बताना है कि जो पूर्णांक था वह कितने का था। ठीक है, तो हमें मान लेते हैं कि जो परीक्षा हुई है उसका जो पूर्णांक था वह कितना था? x था। ठीक है, ये हमने मान लिया कि जो परीक्षा हुई उसका जो पूर्णांक था वह कितना था? x था। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि इस परीक्षा में पास होने के लिए 36% यानी 36% अंक चाहिए थे। तो कितने थे पास होने के लिए? ये हो गए पास। ठीक है, पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 36%। लेकिन जो उसने प्राप्त किए वह कितने प्राप्त किए? 24%। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब वह कितने अंक से फेल हो गया? वह 9 अंक से फेल हो गया। यानी जो उसे 24% मिला, अगर उसको 9 अंक और मिल जाते तो वह क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसमें 9 जोड़ दें तो ये भी यहाँ क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब ये भी पास वाले अंक हैं, ये भी पास वाले अंक हैं, तो दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो 36x/100 -24x/100 -9। 100 आ जाएगा एलसीएम, 36x -24x/9। 36 में से 24 गाएंगे कितना बचेगा? 12x/100 -9। तो x बराबर 9×100/12 काट देंगे, 3×9 3×4=12, 4 से काटेंगे 25×100, तो 25×75। ठीक है, तो जो परीक्षा थी उसका पूर्णांक कितना था? 75 था। समझने वाली बात सिर्फ यहाँ थी, उसने कहा था कि पासिंग मार्क है 36%, 36%, तो हमने x का 36% निकाला, प्राप्त उसको हुए 24%, तो x का 24% निकाला। अब 9 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो गया तो उसको हमने 9 अंक और दे दिए, 9 अंक और जोड़ दिए तो वह भी पास हो गया। अब यह भी पास होने के अंक है, यह भी पास होने के अंक है, दोनों बराबर होंगे। इसको हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया 75, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 75 था। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।